वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग स्नैपचैट की स्ट्रीक को कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। मेरी इस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है जो मैं बना चुका हूं, बट इस वीडियो में हम लोग नए तरीके से बात करेंगे कि हम लोग नए तरीके से उसे कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि स्नैपचैट ने खुद ने ही अभी ऑप्शन दे दिया है रीस्टोर करने का। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन, वीडियो पसंद आया वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है। अब स्नैपचैट की स्ट्रीक को रिस्टोर करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे ही। तो यहां पे आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही है। आईफोन हो एंड्रॉइड हो दोनों में बिल्कुल सेम प्रोसेस है। स्नैपचैट पे हम लोग चले जाते हैं एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरी एक जो स्ट्रीक है वो टूटी हुई है एंड स्नैपचैट ने खुद ने ही ऑप्शन दिया हुआ है इसे रिस्टोर करने का। बट इसको रिस्टोर हम सिर्फ 5 टाइम कर सकते हैं। हम लोग हर बार रिस्टोर नहीं कर सकते। हो सकते हैं हम लोग 24 आवर्स के लिए हमारे पास फोन ही नहीं है तो हम लोग जितनों के साथ हमने स्ट्रीक बनाई है हम रिस्टोर ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आपको फ्री वाला ऑप्शन मिल रहा है तो हम लोग यस 5 टाइम रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फ्री में कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। पहले तो 5 टाइम अगर हमारे पास है ऑप्शन ऑलरेडी तो हम यहाँ से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर पे टैप करेंगे ओके, तो एक यहाँ पे एक ही मिनट में हमारी जो स्ट्रीक है वो रिस्टोर हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 स्ट्रीक थी, रिस्टोर हो गई है। अब इसके बाद हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैं दोबारा इसे रिस्टोर करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझसे पैसे मांगेंगे $0.99 आई गेस, क्योंकि हम हर बार हर किसी के साथ तो रिस्टोर नहीं कर सकते ना स्ट्रीक। तो हमें फ्री में कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मेरे साथ फॉलो करना। आपको लेफ्ट टॉप पे अपनी प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, जस्ट इस पे टैप करो। यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे आपको सेटिंग्स पे टैप करना है, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाओ ओके। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सपोर्ट में जाके, अगर आप चेक करोगे आई हैव लॉस्ट माय स्ट्रीक, इस पे आप टैप करो ओके। हाउ डू आई रिस्टोर, ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन तो वो दे रहा है रिस्टोर करने का, लेकिन वही पुराने वाला, यहाँ पे पैसे मांगेगा। बैक करो यहाँ पे, अब यहां से कुछ नहीं करना है आपको, और हल्का सा स्क्रोल डाउन करो। अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे आई नीड हेल्प, इस पे टैप करो। स्ट्रीक के नीचे सेकंड वाला ऑप्शन है, सपोर्ट पे आ गया आई नीड हेल्प पे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा आई लॉस्ट माई स्ट्रीक, जस्ट इस पे टैप करो ओके। जैसे ही टैप करोगे अब यहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा राइट टॉप कॉर्नर 3 लाइन, इस पे टैप करो ओके। जैसे ही आप इस पे टैप करोगे यहां पे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको कॉन्टैक्ट अस, आईफोन में बता रहा हूं, एंड्रॉइड में आपको शायद 4th या 5th ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का। आपको कॉन्टैक्ट अस पे ही टैप करना है ओके। जैसे आप इस पे टैप करोगे अब वो बोलेंगे भाई क्या रिक्वेस्ट है, क्या मतलब किस रिलेटेड हमें कॉन्टैक्ट करना है। तो यहां पे आपको वो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है आई लॉस्ट माय स्ट्रीक, सिलेक्ट कर लो इसे, स्क्रॉल डाउन करो ओके। तो यहाँ पे वो कहेगा लॉस्ट स्ट्रीक है तो ये सर रिस्टोर कर लो $0.99 देके ओके। तो हम लोग, मैंने पहले 9 रुपीज बोला था लेकिन ये $0.99 है ओके, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा आई एम हैविंग ट्रबल रिस्टोरिंग माय स्ट्रीक इन दिस ऐप, इस पे टैप करो। अब हल्का सा स्क्रोल डाउन करो नीचे, अब यहाँ पे स्टिल नीड हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है तो यस पे टैप करो। जैसे आप यस पे टैप करोगे इसके बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है, ये फॉर्म मिल जाएगा आपको भरने के लिए। रीजन फॉर कॉन्टैक्टिंग स्नैपचैट सपोर्ट, यहाँ पे आपको करना है पेड रीस्टोर स्ट्रीक बट डिंट ओके, या फिर आप नीचे वाला सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो दोनों में से। अब यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है, यूजर नेम जैसे जो भी है, जैसे मेरा है राज चौधरी 287 ओके, मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी देना है जो आपने स्नैपचैट में दे रखा है, मैं वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है इसके बाद, लेकिन ये ऑप्शनल है, देना है तो दो वरना नहीं देने की कोई जरूरत नहीं है ओके। यहाँ पे डेट ऑफ अटेम्प्टेड स्ट्रीक रिस्टोरेशन, मतलब जिस दिन आप अटेम्प्ट कर रहे हो रिस्टोर करने का, फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रीक कल टूटी है और आज आप रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आप आज की डेट डालोगे ओके। योर फ्रेंड्स यूजर नेम, जिसके साथ आपकी स्ट्रीक टूटी है आपको उसका यूजर नेम यहाँ पे डालना है। एंड स्ट्रीक लेंथ, कितनी स्ट्रीक आपकी बन चुकी थी, 50, 200, 500, 1000 जितनी भी थी आप उसके आसपास भी डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से कॉपी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाय टीम स्नैपचैट आई हैव लॉस्ट माय स्ट्रीक विद, जो भी जिनके साथ भी आपकी स्ट्रीक टूटी है वो, अनेबल टू रिस्टोर इट, प्लीज हेल्प मी टू रिस्टोर दीज स्ट्रीक्स एज सून एज पॉसिबल। एंड यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल करके यहाँ पे कर देना है फॉर्म को सबमिट, दैट्स इट। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे आपकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट हो चुकी है
उसके 24 आवर्स के अंदर आपका एक अपडेट आएगा एंड हो सकता है कि आपकी स्नैपचैट की जो स्ट्रीक्स है वो ऑलरेडी रिस्टोर हो चुकी होंगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फ्री में आप ऐसे तरह कर सकते हो लेकिन बार बार नहीं कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर आप बार बार ऐसा करते हो तो दे मे गेट एन आइडिया कि आप लोग ये एक स्पैम करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप कर सकते हो अगर आपकी जेन्युइनली स्ट्रीक टूटी है, आपको पता ही नहीं लगा कि आपने वो आर जो क्लॉक था वो देखा ही नहीं। ओके, तो इस तरह फ्री में रिस्टोर कर सकते हो, बाकी पैसे देके तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, आप वहां से कर लेना। आई होप आपने स्टेप फॉलो करके अपनी स्ट्रीक्स को रिस्टोर कर लिया होगा। इफ येस, और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है कमेंट बॉक्स में येस नो लिख सकते हो। बाकी आपकी स्ट्रीक हुई है रिस्टोर नहीं हुई है वो भी आप लिख देना, एंड आपकी कितनी स्ट्रीक थी उसी के साथ साथ स्ट्रीक बनाना जरूरी है क्या कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड उसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच।